अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो, नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे लई बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना। सत श्री अकाल, मैं अमनप्रीत कौर लैके हाजिर हां अज दा खास प्रोग्राम आखिर इंसाफ कदों तक। जिवें कि तुसी जानदे हो कि औरतां ते मासूम बच्चियां नाल बलात्कार दीआं घटनावां दिनों दिन सामने आउंदियां जा रही ने। ते हुण एक अजिही ही घटना वापरी है जम्मू कश्मीर दे कठुआ च, जिथे आसीफा नाम दी 8 साला दी बच्ची नाल बलात्कार एक मंदिर च किया गया ते आखिर उन्हां दरिंदियां ने उस नूं मौत दे हवाले कर दिता। श्री गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज श्री गुरु नानक देव जी दे उचारे शब्द सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजान। यह शब्द श्री गुरु नानक देव जी ने औरतां दी स्थिति नूं लैके उचारे सन, क्योंकि उस समय औरतां दी स्थिति पैर दी जुत्ती दे समान हुंदी सी। पर अज भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पिया, भावें साडा देश आजाद हो गया, पर फिर भी औरतां दी स्थिति उसे प्रकार है जिवें पहला सी। पहला भी औरतां नूं गुलाम बना के मंदिरां च देवदासियां बना के जां शाही महलां च अपनी दासियां बना के हवस मिटाउण लई रख्या जांदा सी। उसे तरीके नाल अज वी साडे समाज च औरतां नाल इसे तरह दे जुलम हो रहे ने। पर हुण साडे समाज दी दरिंदगी इत्थे तक वध गई है कि ओह छोटियां बच्चियां दा शिकार करन तों वी गुरेज नहीं कर रहे। इस देश च ना हुण औरतां सुरक्षित ने ते ना ही मासूम बच्चियां। आखिर औरतां दा कसूर की हुंदा है कि उन्हां नूं हैवानियत दा शिकार होना पैंदा है, जिस कारण ओह अपनी जिंदगी नूं इक कलंक दी तरह जीण लई मजबूर हो जांदियां ने ते अपनी जिंदगी नूं खत्म कर लैंदियां ने। पर कदी कदी बलात्कार करन वाले हैवान औरतां नाल बलात्कार करन तों बाद उन्हां नूं दर्द भरी मौत दे दिंदे ने, जिस नूं देख के ते सुन के हर किसी दी रूह तक कंब जावेगी। जी हाँ, एक होर बलात्कार की घटना के बारे च गल करन जा रहे हैं, जिसनू सुन के तुहाडे लू कंडे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, असी गल कर रहे हाँ जम्मू कश्मीर के कठुआ की रहने वाली 8 साल की नाबालग बच्ची आसीफा दी, जो कि बंजारा समुदाय नाल संबंध रखती सी। अते ओह जद अपने पशुओं चराउण दे लई गई तो उसनू कुछ दरिंदियां ने फड़ लिया ते उसनू एक मंदिर च लै गए। जी हाँ, एक मंदिर च लै गए, जिस स्थान नूं सब तो पवित्र स्थान मन्या जांदा है। उस स्थान ते हवस दे दरिंदियां ने आसीफा नूं अपनी हवस दा शिकार बनाया। आसीफा नूं नशे दे इंजैक्शन दिते जांदे सन, बिजली दे झटके दिते जांदे सन ते उस नूं अपनी हवस दा शिकार रोज़ बनाया जांदा सी, जिन्ने दिन आसीफा उन्हां दरिंदियां दे जाल च रही। आखिर आसीफा दा गला घोट के मार दिता गया, पर गला घोटण दे बाद भी उन्हां नूं आसीफा दे मरण दी तसल्ली नहीं होई ते उस दे सिर नूं पत्थर दे उपर 3-4 वार वारी मारिया तां जो ओह चंगी तरह मर जावे, जिस तों बाद आसीफा ने इस जहान नूं अलविदा कह दिता। थोड़े दिन पहला इस प्यारी जही कली ने अपनी एक वीडियो बनाई सी, जिस च ओह दिल्ली दे विच हो रहे जुल्मां दे खिलाफ आवाज उठा रही है ते इह वीडियो सोशल मीडिया ते खूब वायरल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के एक माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। यह मासूम बच्ची 10 जनवरी नूं घर तों गायब हुई सी ते 14 जनवरी नूं उसकी
हत्या कर दी गई सी ते 17 जनवरी नूं उसदी लाश उसदे परिवार नूं मिली। तुहानूं दस दे कि इन्हां हैवानां ने क्यों उस मासूम बच्चे नूं इन्नी बुरी सज़ा दिती, क्योंकि यह दरिंदे राजनीतिक मकसद हासिल करना चाहते सन, एक अजिहा मकसद जिस तों होर घटिया काम कोई होर हो नहीं सकता। इन्हां घटिया लोकां ने यह काम इस लई कीता क्योंकि जिस समुदाय दे नाल असीफा संबंध रखदी सी, भाव बंजारा समुदाय, इस समुदाय नूं यह दरिंदे उत्थों भजाना चाहते सन, क्योंकि हिंदू समुदाय के लोग नहीं चाहते सन कि यह लोग उत्थे जमीन खरीदन, जिस कारण इन्हां राक्षसां ने मासूम बच्ची नूं अगवा किया ते उस नाल मंदिर च बलात्कार किए गए ते उस नूं जानों मार दिता गया, ता जो यह बंजारा समुदाय इन्हां दी दहशत तो डर के उत्थों भज जावे। जिन्हां लोकां ने यह शर्मनाक हरकत की है उन्हां च शामिल है सांझी राम, जो कि इस पूरे प्लैन का मास्टरमाइंड दस्या जा रहा है, जो कि उस इलाके का पावरफुल बंदा दस्या जा रहा है। उसका बेटा विशाल, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, पुलिस अफसर दीपक खजूरिया, उसका 16 साल का भतीजा ते नाल ही उसका दोस्त परवेश, यह ओह लोग हैं जिन्हां उत्ते बलात्कार के दोष लगे ने। असीफा नूं इंसाफ दवाउण लई भारत दे कोने कोने तो लोक असीफा दे पोस्टरां नूं हत्थां च लै के इंसाफ दी गुहार लगा रहे ने। इसे तरह दा माहौल पंजाब च वी वेखण नूं मिल रहा है। पंजाब दे वख-वख कोनियां दे विच लोक असीफा नूं इंसाफ दवाउण लई सड़कां ते उतरे ते कैंडल मार्च कढ़िया गया। हर इक कुड़ी लई इंसाफ, बेटी मंगे इंसाफ, अज दी बेटी मंगे इंसाफ। असीं कानून नूं अपील करदे हां कि साडी भैण असीफा नूं इंसाफ दित्ता जावे, उस बुरे लोकां नूं सज़ा दित्ती जावे जिन्हां ने असीफा नूं मारिया है, तां कि आउण वाली बच्चियां दी पीढ़ी डर के ना रहे, डट के रहे। लड़कियां बाहर जाने तो पहला डरदियां ने कि साडे नाल इहो जिहा हो जूगा। लड़कियां नूं पढ़ाया नहीं जाता, वह बाहर भी नहीं जा सकदियां। माँ बाप भी कहन लग रहे हैं कि हाँ तुसीं ऐ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, रात नूं भी नहीं बाहर जान दिता जाता। घर विच बैठ के अपने आप मन नाल सोच के असीं कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर आके सानू अपने फ्रेंड्स दे नाल रल के अपने बड़ियां दे नाल रल के असीफा लई इंसाफ लेना चाहिए। सानू बस होर कुछ नहीं चाहिए कि असीफा नूं इंसाफ मिले, सानू इंसाफ मिले, सानू सेफ्टी मिले ता कि असीं अगे बढ़ सकीए। पर मैं चाहुंदी हां कि बच्चियां नूं बाहर निकलने वास्ते सेफ्टी चाहिए है। जिस अकॉर्डिंग अज के हालात चल रहे हैं, मैनू लगता है कि कुड़ियां नूं घर दे विच ही दब के रखा जाऊगा। हर एक धी अज डर रही है कि असीं घरों बाहर जाइए, जे बाहर जावांगे कि असीं सुरक्षित हाँ। और सब तो वड्डी गल इहदे वास्ते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही रह गया ना, अज बेटी सुरक्षित है ना, अज बेटी नूं कोई सुरक्षा फील हो रही है। मेरे नाल तुसीं अज पिछे तक देख सकते हो, हर एक उम्र का बच्चा, बुढ़ा, बुजुर्ग, हर एक लेडी मेरे नाल आई है ते ये कह रही है कि सानू बचा लो, बचा लो। असी भारत माता साडा देश है, पर अज असी इत्थे सुरक्षित नहीं, पता नहीं असी घरों निकलना ते की हो जाना है। हर एक बच्चा अज रो रहा है, अपनी माँ नू स्कूल जान तो पहला पूछ रहा, मम्मा असीफा कौन सी, वो क्यों घरे वापस नहीं आई। ये छोटे हर एक बच्चे का सवाल है, कि ये सवाल का जवाब थोड़े किसी को है। असीफा नाल जो होया उहदे वास्ते अज साडा ये मार्च है, और ये मार्च सिर्फ एक कैंडल लाइट तक खत्म नहीं हो जाना, जिथे असीं उहदी रूह की शांति मंग रहे हैं उत्थे ही कानून तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। भारत देश वो देश है जिथे कंजकां मंगो ये कुड़ियां नूं पूजिया जाता, देवियां मंगो इस्त्रियां नूं पूजिया जाता, तो अज हफ्स के भुखे शिकारी की कर रहे हैं। और जिहड़ा ये अज कैंडल लाइट मार्च कढ़िया गया है, जिहड़ियां लेडीज़ मेरे नाल आईयां ने, इहदा एक होर मकसद भी है। चंगी माड़े आंसर हर किते हुंदे ने, पर जे किसे गंदे आंसर ने धूरी दे कदे किसे बारे सोच भी रखी, तां जे लेडी सारियां ये कह रही ने कानून तक तां बाद चो पहुंचांगे, असी छित्तर उतार के ओह बंदे नूं पहलां ठीक कर दांगे। जिहड़ा जज्बा अज धूरी च है ना, मेरी बेनती है हर एक लेडी हर एक शहर च हर एक गली हर एक नुक्कड़ चुठे, ताकि लेडीज़ नूं कोई डराउण वाला पैदा ना होवे। हर एक लेडी पावर तो, हर एक लेडी तो दुनिया डरे कंबे कि ये औरत महान है, ये औरत वाल अखां चक के ना देख लियो, असी अपनी जान तो भी जावांगे। बस इन्ना क मेरा मैसेज है कि असीफा नूं जस्टिस मिलनी चाहीदी है। असीफा दी जिहड़ी लॉयर है दीपिका सिंह, उन्हें भी थ्रेट किया जा रहा है कि तू ये केस ना लड़, ह्यूमैनिटी कित्थे है। मेरी यही बेनती है कि जे साडे धूरी वासियां नूं, मेरी भैणां नूं, ज
जम्मू तक भी जाना पिया, असी जम्मू जाके भी उहदे लई प्रोटेस्ट करांगे। असी भीख मंगदे आ कि साडी असीफा नूं ते होर बच्चियां नूं जस्टिस दो। But she got raped. We are holding hand in hand today. Just protest her. Then she needs justice. I need justice. I'm a girl, and being a girl, I am feeling very ashamed to be an Indian because we are not getting justice. So please, guys, please, everyone who ever is watching this video, please do support us. Do support us and. मेरा नाम भारत भूषण है। अज इस गल की बेहद प्रसन्नता भी है भी लोग जोड़े है अज जमहूरीत बच्ची जोड़े इन्हें एक सड़क पर आए हैं। तो एक गल का दुख भी है कि नमासूम बच्ची नफीसा अज साढ़े नहीं है। इस मसले इस केस के दुखद पहलू साहब साढ़े सामने आया कि जिन्हां लोगों के समाज में सुधारण प्रति या समाज जिन्हां लोगों के मोढ़िया से समाज चल रहा है यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग तो एक पुजारी या समाज सेवी नौजवान वर्ग भी इस केस च शामिल जो इस तरह के हालात ये देश किधर नूं जा रहा है। की तुसी की मांग करदे हो अज? मैं ये गल मांग करदा कि लोग भी इस मसले दे विच ना न्याय पूरा न्याय होना चाहिए निरपक्ष न्याय होना चाहिए तो मिसाल बनना चाहिए कि भविष्य दे विच इहो जिहियां घटनावां ना हो। क्या नाम है आपका? आप क्या चाहते हैं आज के? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए जिसने भी बलात्कार किया, उसको बदतर से बदतर सजा मिलनी चाहिए, मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। जी सर, साढ़े प्यारे भारत देश नूं बहुत ही घिनौनियां साजिशां दे सामने सिटिया जा रहा और उहदा हथियार एक मासूम बच्ची नूं, बच्चे का कोई धर्म नहीं हुंदा, एक मासूम बच्ची का इन्नी बर्बरता पूर्वक उहदे नाल सलूक किया गया कि देश दे विच अग लग सके, असी उहदे खिलाफ़ है। और कल्ला उत्थे नहीं, आसिफा ही नहीं, किन्नियां ही आसिफा, किन्नियां ही साडियां जिहड़ियां उन्नाओं दे विच जिवें हो गया, होर भी बहुत थां ते यूपी दे विच रोज़ हो रहा। सो ये गल्लां अनटॉलरेबल है, असी इहदे खिलाफ़ हाँ, उहदा जस्टिस मंगण लई सारा शहर के नौजवान सारा शहर और सारे हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सारे इंसान इकट्ठे हो गया जो इंसाफ मंग रहे हैं और सरकार को इंसाफ देना पड़ेगा। जिहड़ी मासूम बच्चियां नाल ज़िनाकारी की उस तो बाद उन्होंने मार दिता गया, इस वास्ते जिहड़े जालिम है उन्होंने फांसी दी जाए और दोनों सरकारों को डिसमिस किया जाए क्योंकि जालिम लोग है धर्म के नाते राजनीति कर रहे हैं और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी मासूम बच्ची नाल ज़िनाकारी करो और तुसीं उस तो बाद अपने मकसद की ऐश वस्ती करो। ये धर्म के नाते यूज करके लोगों को लड़वाना चाहते हैं जबकि इस मुसलम इस मुल्क हिंदू मुसलमान सिख सारे मिलकर अपनी जंगे आज़ादी लड़ाई लड़ी और इस टाइम भी सारे लोग इकट्ठे हैं और इन्होंने जालिमों के खिलाफ पूरा मुल्क जोड़ा है वो अज खड़ा है। साड़ी मंग है सेंटर तो चाहे जी भी सरकार आदि हैं उन्होंने एक मंग है कि भारत का संविधान के रेप के प्रति जो बलात्कार का भारत के किनिया घटनावां हुई एक कानून ऐसा बना दिया जाए जो सऊदी अरब के है कि टिल टू डैथ ऐसा कानून बन जाए कि ऐसी गिनौनी हरकत करने तो पहला कोई बंदा हज़ार बार सोचे कि वह भी किसी की धी है, किसी की भैन है, किसी की बेटी है। एक 8 साल की बच्ची जिहदा नाम आसिफा सी जम्मू कश्मीर दे विच उहदे नाल 8 दिन तक बहुत माड़ा सलूक किया गया, उस तो बाद उन्हें मार दिता गया। सेम कॉज यूपी दे विच देखण नूं मिलिया 11 साल की बच्ची नाल। ये असी चाहते हैं कि बंद किया जाए, ये एक पर्टिकुलर ये एक पनिशमेंट बनाई जाए जिदे करके ये करने लई लोग डरन, लोगों के मन च खौफ आवे कि ऐसा काम वो ना करन। ता करके असी सारयां नूं बेनती करदे हां कि ये चीज़ प्रति इकट्ठे होवो, एकजुट होवो, इकट्ठे होके ये चीज़ का विरोध करो कि इदां दे दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा दिती जाए ताकि इदां दी सोच भी जे कोई सोचे तो उन्होंने ए लगे भी बहुत बड़ा गुनाह है भी ये मैं सोच भी नहीं सकता तो मेरा हशर की होएगा। असी सरकार को मंग करते हाँ सरकार लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा बहुत ही इस टाइम ढिला ते निकम्मा चल रहा है, कभी कितने शरेआम गोलियां चल दियां हन अते कितने निक्कियां बच्चियां दा रेप हो रहा है ते इस दरिंदगियां रेप हो रहा है कि उसनू 8 दिन तक कैद विच रखा जाता है
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਨਾਕਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਕਸ਼ਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨਕੰਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬੇਟੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸੀਫਾ ਉਸ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੂਕਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿਕਾ ਜੋ ਕਿ ਆਸੀਫਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ क्या वकील हाथ में डंडा देते हुए शोभा देते हैं क्या कॉमन लोगों का जुडिशरी में और वकीलों में विश्वास नहीं उठ जाता है मिस्टर सलाथिया ने मेरे साथ बदसलूकी की है मिस्टर सलाथिया ने मुझे धमकी दी है इनको लगता है कि हम एक औरत को धमकी देंगे और वो एक औरत छुप जाएगी वो एक औरत डर जाएगी पर इनको पता नहीं है वो एक औरत डरने वाली नहीं है वो एक औरत हिंदू के लिए भी एक मुस्लिम के लिए भी एक सिख के लिए भी एक ईसाई के लिए भी क्योंकि मैं एक इंसान हूँ मेरे घर में भी 5 साल की बच्ची है मिस्टर सलाथिया को ये पता होना चाहिए आई डोंट वांट टू गेट पर्सनल उनको ये भी पता होना चाहिए कि इनके घर में भी जवान लड़की है ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਨਾਓ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਨਾਥ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਮੀਓ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਹੀ ਰਾਜ 'ਚ ਉਸਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਤੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਚਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ